आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पांचसिमल विधानसभा में चतुष्कोणीय मुकाबला, कांग्रेस भाजपा आपके साथ निर्दलीय मैदान में। खेतिया पांचसिमल विधानसभा क्षेत्र में आज नामांकन वापसी के साथ पांचसिमल विधानसभा की हुई तस्वीर स्पष्ट। नामांकन पत्रों की जांच के साथ लगाए जा रहे कयास आज सच साबित हुए। पांचसिमल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से विधायक चंद्रभागा किराड़े, भाजपा की ओर से श्याम बर्डे, आप पार्टी की ओर से दयाराम डावर, निर्दलीय रमेश चौहान के बीच अब मुकाबला होना है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध के चलते कांग्रेस बीजेपी आपके साथ निर्दलीय भी शामिल रहेंगे। विधायक चंद्रभागा किराड़े को कांग्रेस ने पुनः प्रत्याशी बनाया, वहीं भाजपा ने श्याम बर्डे को अपना प्रत्याशी घोषित किया। आपने भी दयाराम डावर पर अपना भाग्य आजमाया। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के साथ क्षेत्र में चलते रहे विरोध के बावजूद प्रत्याशी नहीं बदले जाने पर नामांकन पत्रों की जांच के साथ ये प्रयास लगाया जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होंगे। चारों ही निर्दलीय प्रत्याशियों में आपसी सहमति बनाकर श्री रमेश चौहान को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने हेतु अधिकृत किया। निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान में होने पर किसे लाभ होगा ये तय कर पाना कठिन है। हाल फिलहाल ये है कि अब चुनावी समर शुरू होगा। इस चुनावी रण में उतरे उम्मीदवार अपनी विजय को लेकर आश्वस्त है। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ये प्रक्रिया भी आज पूर्ण हो रही है। पांचसिमल विधानसभा क्षेत्र के 257,013 मतदाता 287 मतदान केंद्रों पर दिनांक 17 नवंबर 2023 को मतदान कर अपना विधायक चुनेंगे। प्रत्याशियों के लिए समय कम जरूर है, वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राहुल फटिंग के निर्देशन में चुनाव हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। अब तक की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो गई। आज ही प्रेक्षक सुश्री रुबेल प्रखर अग्रवाल ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पहुंचकर अधिकारियों के साथ अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। पांचसिमल विधानसभा क्षेत्र में चतुष्कोणीय मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठता है ये अभी कुछ भी तय कर पाना संभव नहीं। जहां किंतु निर्दलीय प्रत्याशियों के एक होकर चुनाव लड़ने से ये चुनाव मुकाबला रोमांचक होगा। जैसे जैसे मतदान करीब आएगा वैसे वैसे चुनावी हवा गर्म होने लगेगी। हमारे दर्शकों से अनुरोध है अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।